Hello everyone, good morning, how are you all? Welcome back again to our channel Sunil Kumar Creative Stylist. और आज है हमारा न्यू सीरीज का थर्ड डे लेसन 3 एंड आज हम बात करने जा रहे हैं ड्यूरिंग स्टाइलिंग प्रोडक्ट की अगेन बट फ्लेक्सिबल वन. पिछली वीडियो में हमने बात करी थी नॉन फ्लेक्सिबल हेयर स्प्रे के बारे में और आज हम बात करने जा रहे हैं फ्लेक्सिबल हेयर स्प्रे के बारे में. सो मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ कि आज हम किन प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं. सो ड्यूरिंग स्टाइलिंग प्रोडक्ट फ्लेक्सिबल हेयर स्प्रे. फ्लेक्सिबल का मतलब हमने पिछली वीडियो में जाना था कि फ्लेक्सिबल हम किन्हें कहते हैं एंड नॉन फ्लेक्सिबल हम किसे कहते हैं. फ्लेक्सिबल मीन्स जिसे हम रिशेप कर सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं, हेड खोल के दोबारा बना सकते हैं, हेयर थोड़ा नेचुरल ही रहेगा, बहुत ज़्यादा हैवी एंड स्टिकी नहीं होएगा. एंड नॉन फ्लेक्सिबल थोड़े वो प्रोडक्ट हैं, वो हेयर स्प्रे हैं जो थोड़े हैवी होते हैं, स्टिकी होते हैं, जो चिपचिप करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल, कि वो बहुत ज़्यादा कैची करते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी होता है हेयर के ऊपर, इसलिए वो नॉन फ्लेक्सिबल की कैटेगरी में आता है. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ड्यूरिंग हेयर स्टाइलिंग हेयर स्प्रे प्रोडक्ट, ठीक है, या ड्यूरिंग स्टाइलिंग प्रोडक्ट. इसमें हमारे सारे फ्लेक्सिबल हेयर स्प्रे आएंगे जिनको आप रिशेप कर सकते हो, रिक्रिएट कर सकते हैं. तो सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा शार्पर जीरो ग्रेविटी. शार्पर जीरो ग्रेविटी ये सबशन ब्रांड का प्रोडक्ट है. सो आई एम जस्ट शोइंग यू ऑल. सो दिस इज द प्रोडक्ट, यू कैन सी, ये हमारा प्रोडक्ट है सबशन ब्रांड का शार्पर जीरो ग्रेविटी. इस स्प्रे की बहुत अच्छी क्वालिटी है एंड ये आपको देगा ड्राई इफेक्ट. एंड इसका जो होल्ड पावर है वो है ओनली ऑन 2 नंबर, ठीक है. ये 2 नंबर भी मैं आप लोगों को मेंशन कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ द इसका फील ऑफ क्वालिटी, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि आपको होल्ड फैक्टर जो है वो 2 नंबर के जैसा देगा. आप इसको स्प्रे को अप्लाई करोगे, ये बहुत ही यूज़फुल है अगर आप बिगिनर्स हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं और अभी आपको हर कोई पैटर्न थोड़ा सा नया पैटर्न जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा. एंड हो सकता है आप रियल हेयर पे बनाओगे डायरेक्टली या क्लाइंट्स के ऊपर आप बनाओगे, तब आपके लिए ये हेयर स्प्रे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है बिकॉज ये माइल्ड होल्ड हेयर स्प्रे है. प्लस दूसरी बात, नेचुरल ड्राई इफेक्ट पे, मीन्स ड्राई इफेक्ट पे ये काम करता है. स्टिकी नहीं करेगा, ऑयली नहीं करेगा और चिपचिप नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं. आप इसको मल्टीपल टाइम आप इसको रिशेप कर सकते हो, कम से कम 5 से 6 बार लगाया निकालो, लगाया निकालो. इनविजिबल होल्ड है इसको, जीरो ग्रेविटी इसका नाम है, जैसा कि नाम है वैसे इसका काम है. इट्स रियली रियली यूज़फुल फॉर द बिगिनर. अगर आपको स्टार्टअप में यूज़ करना है लाइंस बनाने के लिए, कुछ नया फ्रंट बना रहे हो, उसको बनाते बनाते होल्ड करने के लिए, क्योंकि बार बार फिसलता है, स्किप होता है आपके हाथ से, लाइक फिसलता है, तो क्या करते हैं, आपको थोड़ा सा उसमें होल्ड चाहिए. क्रिम्पिंग से भी होल्ड आता है बट थोड़ा इससे आपको एक्स्ट्रा होल्ड मिलेगा, पैटर्न को बनाने में हेल्प मिलेगी. तो दिस इज़ रियली रियली नाइस फॉर यू ऑल, जो भी बिगिनर्स हैं एंड जो प्रोफेशनलिस्ट हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इट्स रियली नाइस. ड्राई इफेक्ट देगा, 2 नंबर का इसका होल्ड पावर है और 5 से 6 बार आप इसको मीन्स लगा के रिमूव करो, आप रिशेपेबल कर सकते हैं बिकॉज इट्स वेरी लाइट एंड इनविजिबल होल, ठीक है. सो ये हमारा पहला प्रोडक्ट था जिसका नाम है शार्पर जीरो ग्रेविटी. जीरो ग्रेविटी मीन्स कोई होल्ड नहीं है इसका, बट 2 नंबर के होल्ड के जैसा आपको उसका फील ऑफ इफेक्ट आएगा. देन सेकेंड प्रोडक्ट है हमारे पास स्टे स्टाइल एंड और मिस्टिफाई मी. ये दोनों एक ही तरह के हेयर स्प्रे हैं, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है इसमें. स्टे स्टाइल भी होल्ड स्प्रे है, मिस्टिफाई मी ये थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है इसका. आप कह सकते हैं कि नया पैकेजिंग है, कुछ ऐसे ही है, बट बोथ स्प्रे आर सिमिलर. ये दोनों स्प्रे आप देख सकते हैं, कलर ईच एंड एवरीथिंग दोनों का एक जैसा ही है. एंड आप दोनों जो है आप ऑनलाइन बाय कर सकते हो. बाकी सभी प्रोडक्ट के लिंक जो है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप सभी लोग वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं डेफिनेटली. सो ये दोनों है स्प्रे जो हैं स्ट्रे स्टाइल वेला ब्रांड के एंड मिस्टिफाई मी. स्टे स्टाइल एंड मिस्टिफाई मी या मिस्टिफाई मी यू कैन सी आल्सो वेला ब्रांड का है. 3 नंबर का इसका होल्ड पावर है
मिस्ट फॉर्म में ये निकलता है, काफ़ी इसके जो फ्यूम्स जो हैं वो काफ़ी बारीक हैं, मिस्ट फॉर्म में बहुत बारीक निकलता है, फोर्स इसका थोड़ा ज़्यादा है, तो यू हैव टू अप्लाई फ्रॉम द डिस्टेंस, थोड़ा दूर से आपने इसको अप्लाई करना है। बहुत अच्छा इसका होल्ड पावर है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, इसको भी आप 2 से 3 बार आप रिशेप कर सकते हो। मैं जैसे कई क्लाइंट्स आते हैं ना हमारे पास में कि जिनको कन्फर्मेशन नहीं होता है कि उन्हें कौन सा हेयर स्टाइल चाहिए, या आप भी बना रहे हो स्टार्टअप में, आपको आइडिया नहीं है, एंड किसी क्लाइंट्स को जैसे कि अदर्स जो क्लाइंट्स के साथ में और अदर उनके फ्रेंड्स होते हैं या रिलेटिव होते हैं, या कभी आप बना देते हो हेयर स्टाइल और बाद में वो बोलते हैं कि नहीं 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 ये नहीं अच्छा लग रहा है, क्या बना दिया आपने एंड ऑल थिंग्स, तो फिर क्लाइंट्स के सेटिस्फेक्शन के लिए हमें उसको दोबारा रिक्रिएट करना होता है, बिकॉज एंड ऑफ द टाइम आपको क्लाइंट को हैप्पी करके भेजना है। बेसिक आप सारी चीज़ें पूछ चुके हो कि ऐसा आएगा ये आएगा सब कुछ करने के बाद भी, बट उस टाइम पे आप उसको रिशेप कैसे करें, बहुत ज़्यादा स्टिकी ना हो, उस टाइम पे आप इन हेयर स्प्रे का जो हम आज बात कर रहे हैं, इन हेयर स्प्रे का यूज़ करके आप उसको रिशेप करके दोबारा बना सकते हो, वो नेचुरल ही लगेगा आपको, कोई ज़्यादा हैवी स्टिकनेस नहीं आएगी, यू विल फील लाइक कि अभी हमने बनाया था, आप उसको रिशेप कर सकते हैं। सो ये मिस्टिफाई मी 3 नंबर का इसका होल्ड पावर है, दिस इज रियली नाइस, यू कैन यूज़ फॉर द हेयर स्टाइलिंग दिस वन ऑल्सो, 3 नंबर का होल्ड पावर थोड़ा माइल्ड है, यू कैन यूज़ दिस वन ऑल्सो फॉर द मेकिंग पैटर्न लाइन्स बनाने के लिए एंड फॉर द फिक्सिंग पर्पस ऑल्सो, या किसी क्लाइंट को जैसे ब्लो ड्राई किया आपने या ओपन कर्ल्स बनाए बट उनको ज़्यादा लॉन्ग लास्ट नहीं चाहिए, मीन्स उनको 5 से 6 घंटे तक हेयर स्टाइलिंग को चलाना है, कर्ल्स वर्ल्स बनाए हैं आपने तो आप उनके ऊपर इस हेयर स्प्रे को मार दो तो थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग लास्ट वे करेगा एंड वो ड्राई इफेक्ट नेचुरल इफेक्ट पर ही रहेगा, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा हैवी हो गए, कर्ल्स लूज हो गए या ऐसा कुछ भी नहीं होएगा, ठीक है। सो ये आपका दूसरा हेयर स्प्रे जो कि फ्लेक्सिबल है, ये भी आपको ड्राई इफेक्ट देता है, ये जितने भी हेयर स्प्रे हम यूज़ कर रहे हैं ये आपको स्टिकी या वाटरी काइंड ऑफ इफेक्ट नहीं देगा, एंड इनका एप्लीकेशन भी हम किसी दिन बात करेंगे, हाउ टू अप्लाई हेयर स्प्रे, सो विल अपलोड द वीडियो फॉर दैट ऑल्सो। एंड थर्ड है हमारे पास में ओसिस प्लस, सेशन लेबल इसका नाम है और मैं दिखा देता हूँ आपको, स्कॉस्को ब्रांड का है दिस वन एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, ये वाला प्रोडक्ट है स्कॉस्को ब्रांड का है, ओसिस प्लस के नाम से आता है, सेशन लेबल के नाम से, यू कैन सी ऑल्सो ये सेशन लेबल के नाम से आता है, एंड ये भी आपका होल्ड स्प्रे है एंड दिस वन इज़ ऑल्सो फ्लेक्सिबल, तो इसको भी आप रिशेप एंड रिक्रिएट कर सकते हैं, दिस वन इज़ ऑल्सो नाइस, और इसका जो होल्ड फैक्टर है जो इसका कैचिंग एंड जो ग्रिपिंग पावर है वो आपकी 4 नंबर 4 लेवल का इसका ग्रिप पावर, इसकी पकड़ है 4 नंबर के, ठीक है। सो 4 नंबर का इसका ग्रिपिंग पावर है, होल्डिंग फैक्टर है इसका, एंड ये भी आपको ड्राई इफेक्ट देता है, वेट इफेक्ट नहीं देगा, ठीक है। एंड 4th नंबर है हमारे पास शॉपर्स फियर्स नाम है इसका, सेबेस्टियन ब्रांड का प्रोडक्ट है दिस वन, आई एम जस्ट शोइंग यू ऑल, सो ये वाला प्रोडक्ट, सो दिस वन ये आपका सेबेस्टियन ब्रांड का प्रोडक्ट है, नाम है इसका शॉपर्स फियर्स एंड दिस इज़ रियली रियली नाइस, बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है, हैज स्प्रे, 5 नंबर का इसका होल्ड फैक्टर है एंड ये आपका जो है अल्कोहल बेस्ड हेयर स्प्रे है, ठीक है, अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छा है, क्विक फिक्सिंग है, ड्राई इफेक्ट पे ये काम करता है एंड रिशेपेबल भी है, आप इसको रिशेप भी कर सकते हैं, दिस इज़ रियली रियली नाइस एंड बहुत अच्छा ये है, आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, ये आपको क्विक फिक्सिंग के लिए, जैसे कि कई जैसे सेंसिटिव पार्ट पे आप काम करते हैं, जैसे कि आपको बहुत लूज एंड फ्लॉलेस हेयर स्टाइलिंग आपने बनानी है, स्प्रेडिंग कर रहे हो आपको बिल्कुल वैसे ही सेट करना है बट क्विक करना है, ज़्यादा हैवी प्रोडक्ट आपने अप्लाई नहीं करना, तो उन केसेस पे ये सभी स्प्रे केवल 0 ग्रेविटी को छोड़ के, इसको छोड़ के बनाने के टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, बट इसके ऊपर आपको फिर होल्ड स्प्रे भी मारना पड़ेगा, सो ये मेकिंग टाइम पे एंड ये फिक्सिंग के लिए है, ये भी आपका फिक्सिंग के लिए है, जो हमने ये मिस्टिफाई मी या स्ट्रे स्टाइल दिखाया है, जो भी हमने अभी तक के हेयर स्प्रे की बात करी है, केवल 0 ग्रेविटी को छोड़ के ये सभी आपके फिक्सिंग स्प्रे हैं, ठीक है, बट ड्राई इफेक्ट पे, बट फ्लेक्सिबल है, आप इनको रिशेप कर सकते हैं।
इसका 5 नंबर का होल्डिंग फैक्टर है जो कि आपका सपोर्ट फियर्स का है। देखो इन हैस्प्रे में एक बात बता दूं आप सभी लोगों को, इन हैस्प्रे में होल्ड फैक्टर नंबर किसी में लिखा है किसी में मेंशन नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल अबाउट माय एक्सपीरियंस। मैं अपने एक्सपीरियंस से आप सभी लोगों को बता रहा हूँ कि इनका होल्ड फैक्टर कैसा है, ठीक है। स्ट्रांग होल्ड है, किस लेवल पे इसका स्ट्रॉन्ग फैक्टर मैं मेंशन कर सकता हूँ या कितना स्ट्रॉन्ग है एक नंबरिंग सिस्टम के हिसाब से आप लोगों के आइडिया के लिए कि हाँ ये कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सो ये आपका 5 लेवल का स्ट्रॉन्ग होल्ड स्प्रे है, काफ़ी अच्छे इसकी ग्रिप है। 5th नंबर है आपका सिल्विच इनविजिबल होल्ड इसका रहता है एंड स्कॉस्कॉप ब्रांड का है। 5 नंबर इसकी ग्रिपिंग या होल्डिंग पावर है। दिस वन इट्स रियली रियली नाइस, इसे मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ इन माय यूट्यूब वीडियो एंड हेयर स्टाइलिंग ऑल्सो। जब हम क्लासेस भी करते हैं तो मोस्टली बहुत सारे जो ट्रेनर्स हैं वो भी इसको यूज़ करते हैं एंड दिस इज़ रियली रियली नाइस। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी मिले ज़रूर आप इसको बाय कीजिएगा। पहले ट्राई करो ये सभी प्रोडक्ट आप लोगों को ऑफलाइन मिल जाए, नहीं मिलते हैं देन आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं डेफिनेटली, नहीं तो कहीं से भी ले लो, दैट इज़ योर चॉइस। बट आप लोगों की कन्वीनियंट के लिए मैं सभी लोगों के नीचे कोशिश करूंगा सभी लोगों के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं। सो ये आपका जो है सिल्विच स्प्रे स्कॉस्कॉप ब्रांड का, ये बहुत अच्छा स्प्रे है, प्लस इसकी जो है क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी आती है। 750 ml इसका आता है एंड काफ़ी हैवी है ये प्रोडक्ट एंड काफ़ी सारी हेयर स्टाइलिंग आपकी निकाल लेता है, प्लस कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मीन्स डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस और ये आपकी कई सारी हेयर स्टाइलिंग आपकी निकाल देगा। और ये भी आपका फ्लेक्सिबल है एंड क्विक होल्ड है फिक्सिंग के लिए, जब आप बना रहे हो पैटर्न फटाफट से आप उसको करो ये इमिडिएटली वहीं पर उसको फिक्स कर देगा, टाइम लेगा, फ्लेक्सिबल है, आप उसको रिशेप भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। एंड सुपर ड्राई इफेक्ट है इसका, ये आपको ड्राई इफेक्ट देगा, ये भी आपको वेट इफेक्ट नहीं देगा। देखो स्प्रे टेक्निक की हम बात करेंगे, चाहे आप नॉन फ्लेक्सिबल यूज़ करो चाहे आप फ्लेक्सिबल यूज़ करो, दोनों के लिए टेक्निक सिमिलर रहेगी, बट विल अपलोड द वीडियो, ठीक है, देखना है धीरे धीरे करके कवरेज करेंगे, ठीक है। सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू ऑल बेड हेड टीजी हार्ड हेड के नाम से ये स्प्रे आता है एंड 5-6 लेवल का इसका होल्ड फैक्टर है। बेड हेड टीजी के नाम से ये वाला प्रोडक्ट, ये बेड हेड के नाम से आता है, बेड हेड टीजी के नाम से आप देख सकते हैं, ये नीचे लिखा है हार्ड हेड, ऊपर आप देख सकते हैं। सो दिस वन इज़ रियली नाइस एंड बहुत इसका स्ट्रॉन्ग जो है होल्ड फैक्टर है। ये अराउंड आपका 5-6 नंबर का आपको होल्ड फैक्टर देता है। सिल्वर कलर में ये आता है, क्विक फिक्सिंग, थोड़ा सा बहुत जल्दी ये फिक्स करता है, इसका ग्रिपिंग पावर कैचिंग पावर बहुत अच्छा है। तो इसको हमने 5 से थोड़ा अबव ही है, 6 की कैटेगरी में हमने इसको रखा है, इसकी होल्डिंग फैक्टर के हिसाब से बहुत अच्छा ग्रिप है इसका। तो फिक्सिंग पर्पज़ के लिए आप जब आपने स्टाइलिंग बना ली मेकिंग टाइम पे भी यूज़ कर सकते हो एंड दिस वन ऑल्सो फ्लेक्सीबल, आप इसको रिशेप भी कर सकते हैं। ओके सो लास्ट है हमारा पी हेस्प्रे के नाम से आता है, स्कॉस्कॉफ का ब्रांड है, 5-6 लेबल का इसका भी होल्ड फैक्टर है। ये बहुत सारे ये मोस्टली आपने देखा होगा रशियन हेयर स्टाइलिस्ट ज़्यादातर यूज़ करते हैं या रशियन हेयर स्टाइलिंग में जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह पे आप देखते होंगे बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। ये भी आपका होल्ड स्प्रे है, पी इसमें मेंशन है, ये जो बना हुआ है ये वाला पी हेयर स्प्रे के नाम से इसको ज़्यादातर लोग बुलाते हैं। ये आपका सुपर स्ट्रॉन्ग होल्ड, हमने इसकी जो कैचिंग पावर लिखी है ग्रिपिंग पावर लिखी है वो है आपकी 5-6 लेवल की एंड इसका जो लेक्चर है एंड जो स्प्रे फॉर्म, देखो ये जब भी जो सारे स्प्रे हमने बताए हैं इनमें और लोग जो हमने पिछले नॉन फ्लेक्सिबल की बात करी थी तो उनमें डिफरेंसेस क्या है, बहुत डिफरेंसेस है, बट जब आप इनको यूज़ करोगे देन फील ऑफ क्वालिटी एक्सपीरियंस, जब आप काम करोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ रियली में क्या डिफरेंस है। फिर भी मैं थोड़ा सा बातों से बताने की कोशिश करता हूँ। इन स्प्रे में क्या है, देखो जब आप स्प्रे करते हो तो इनका अप्लीकेशन फॉर्म मीन्स ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है हेयर पे, ये बालों में गिरता कैसे है, फ्यूम्स के रूप में छोटे छोटे ड्रॉप्स बन के कैसे गिर रहा है, वाटरी है नहीं है, ग्रिपिंग कैचिंग पावर कैसी है, लेक्चर कैसा है, फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं है, लाइट वेट, ये सारी चीज़ें एड ऑन होती है एंड ड्राई इफेक्ट
कैसा है, ये नेचुरल होल्ड दे, नेचुरल इफेक्ट दे रहा है या फिर वो वेट इफेक्ट या ऑयली टाइप ऑफ इफेक्ट प्ले कर रहा है बालों में, ऐसा है या नहीं है। तो ड्राई इफेक्ट पे काम करते हैं, नेचुरल होल्ड होता है, लाइट वेट होता है, ह्यूमिडिटी को रिफ्लेक्शन करने की टेक्नोलॉजी होती है, इंग्रेडिएंट थोड़े अलग होते हैं एंड सबसे बड़ा फॉर्म बेस, मींस जब ये स्प्रे आउट होता है तो ये फॉर्म फैल के लगता है बहुत ज़्यादा, मींस एक जगह पे ऐसे नहीं लगता बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। तो स्प्रे एप्लीकेशन वे या फ्यूम्स वे जब ये गिरता है उसका वो फॉर्म भी बहुत बड़ा मैटर है कि जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो कैसे स्प्रेड होके ये ड्रॉप होता है। बट यही नहीं कि केवल एप्लीकेशन करके ही आप मतलब ये स्प्रे, इसी में इसके अंदर का इंग्रेडिएंट भी या फॉर्मूला भी बहुत मैटर करता है, तभी ये इसके जैसा दोनों का कॉम्बिनेशन है, इस वजह से ये है स्प्रे अलग है। एंड जो हम नॉन फ्लेक्सिबल यूज़ करते हैं उनके फॉर्मूला थोड़ा अलग है, उनकी क्वालिटी थोड़ा अलग है, उन पर जेल कंटेंट थोड़ा ज़्यादा यूज़ होते हैं इसलिए वो चिपचिक एंड थोड़ा सा हैवी होते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बाकी आप यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। देखो आप मेरे कहने से तो आपको थोड़ा गाइडेंस मिल जाएगी कि कौन सा कैसे आपने यूज़ करना है हेयर स्प्रे या कौन सा हेयर स्प्रे कैसा है, बट स्टिल फिर भी जब आप उसको यूज़ करोगे अपने डेली बेसिस पे, आप हर बार एक नया स्प्रे लो, हर बार आप उसको ट्राई करो। एंड बहुत सारे और भी आते हैं नॉन फ्लेक्सिबल, जैसे कि NGO करके भी आता है, बट वो बहुत हैवी है एंड उसकी फ्रेगनेंस तो वाजी वाह बहुत अच्छी है। ऐसे तो नोवा गोल्ड के लिए भी बोलते हैं कि उसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है। हाँ पता है, आप लोगों को पता है कितनी अच्छी है ना। सो आप देख सकते हैं, देखो सारी चीज़ें मैटर करती हैं, आपका बजट भी मैटर करता है, सो डिपेंड ऑन यू आपको कैसा यूज़ करना है। बट एक बार ही इन हेयर स्प्रे को यूज़ करके ज़रूर देखना, फिर आप अपने बजट के हिसाब से आप कोई बेस्ट हेयर स्प्रे आप अपने लिए चूज़ कर सकते हो कि मैं इसके साथ में सेटिस्फाइड हूँ, तो आप उसके साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। बट सभी स्प्रे का एक्सपीरियंस ज़रूर लें। एंड नाउ लास्ट प्रोडक्ट बट नॉट द लीस्ट, सो ये है हमारा क्यून ब्रांड का, ये भी आपका होल्ड स्प्रे है। सो ये स्टाइल फिक्स के नाम से आता है एंड दिस इज रियली रियली स्ट्रॉन्ग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसका होल्ड फैक्टर की बात करें हम तो अराउंड जो है इसका 7 लेवल के आसपास इसका जो है होल्ड फैक्टर है। मैं थोड़ा यहाँ पे लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए, जस्ट राइटिंग हियर। सो ये आपका क्यून ब्रांड का प्रोडक्ट है, नाम है इसका स्टाइल फिक्स के नाम से आता है, ये स्टाइल फिक्स के नाम से। ये आपका जेल लिक्विड काइंड ऑफ, ये आपका जेल है इस पर या आप लिक्विड है इस पर भी आप इसे कह सकते हैं। एंड इसका 7 नंबर का इसका होल्ड फैक्टर है, ये आपका फिक्सिंग पर्पस के लिए। अब जो जेल हेयर स्प्रे होते हैं जैसे कि हमने नॉन फ्लेक्सिबल में भी देखा था कैरिंग, और इसमें है आपका ये क्यून का स्टाइल फिक्स के नाम से। ये आपका फुल लिक्विड है अंदर एंड ये लिक्विड फॉर्म पे ही बाहर निकलता है, बट काफ़ी अच्छा एंड क्विक फिक्सिंग है, बहुत ज़्यादा इसकी स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, जो इसकी होल्डिंग पावर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि आपने स्टाइल बना दिया कंप्लीट एंड लास्ट में आप उसके ऊपर कर दो फॉर द फिक्सिंग पर्पस, या आपने कुछ कर्ल्स वगैरह बना लिए, क्लासिक कर्ल्स हो गए, कोई से भी कर्ल्स आपने बना दिए, ऊपर से आपने कर्ल्स के ऊपर मार दिए परमानेंट फिक्सिंग के लिए, तो इनकी लॉन्ग लास्टिंग। अब आपका जो फ्लेक्सिबल एंड नॉन फ्लेक्सिबल दोनों में वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो थोड़े हैवी है जो हमने नॉन फ्लेक्सिबल में किया था, ये थोड़ा लाइट वेट है, ये लाइट वेट है, ड्राई इफेक्ट पे है, प्लस ह्यूमिडिटी को रिफ्लेक्ट करेगा, आपके बालों को ज़्यादा लॉन्ग लास्ट रखेगा। वो क्या है, वो थोड़ा हैवी है एंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग है एंड थोड़ा सा हैवी भी लगेगा बालों में एंड बट उसकी ग्रिपिंग एंड कैचिंग पावर हैवी होने की वजह से कर्ल्स थोड़ा बैठ सकते हैं बट इसमें नहीं बैठेगा। सो ये था हमारा आज का सेशन न्यू सीरीज का Day 3 थर्ड डे Lesson 3। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि फ्लेक्सिबल हेयर स्प्रे कौन से हैं एंड किन का कैसे आपने यूज़ करना है एंड 3, 4, 5, 6 नंबर जो भी आपको यूज़ करना है डिपेंड ऑन योर लाइक डिमांड या डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट कि आप कौन सा हेयर स्प्रे कब यूज़ करना चाहते हैं। बट जो शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए 0 ग्रेविटी मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा एंड फिर भी जो
एवरेजन लेवल पे देखो सभी प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। सो बिगनर्स के लिए मैं ये स्प्रे ज़रूर रिकमेंड करूँगा, आप एक बार इसका यूज़ ज़रूर करें बिकॉज स्टार्टअप टाइम के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एंड ड्राई इफेक्ट पे ये काम करता है, आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। बाकी जितने भी सारे हेयर स्प्रे की बात करी है हमने, सो ये सारे हेयर स्प्रे आपके फ्लेक्सिबल हैं, ग्रिपिंग के हिसाब से आप अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। देखो किसी को वेला पसंद आएगा उस टाइम के लिए क्योंकि उसका एप्लीकेशन भी एंड फील ऑफ इफ़ेक्ट उसका अलग है, स्कॉस्कॉफ का अलग है, सबिशन का अलग है एंड ये आपका जो सिल्वेट का है इसका अलग ही है, बेड हेड का भी अलग है एंड पी हेयर स्प्रे का भी अलग है। बट आप हर एक हेयर स्प्रे को यूज़ करके देखें एंड देन उसमें से आप बेस्ट हेयर स्प्रे अपने लिए चूज़ कर सकते हैं आपके बजट के अकॉर्डिंग एंड जो रिज़ल्ट आपको चाहिए उसके हिसाब से, आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा कि ड्यूरिंग स्टाइलिंग प्रोडक्ट में फ्लेक्सिबल हेयर स्प्रे कौन से हैं, उन पे क्या है, क्यों वो डिफरेंट हैं। सो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन सभी लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है। सो दोस्तों ये हमारी नई सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, तीसरा दिन था हमारा एंड अब कंटिन्यू हम ऐसे चलते चले जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ में जोड़ें, सभी लोगों के साथ में शेयर करें एंड जो लोग सोच रहे हैं कि कहाँ से सीखना है, क्या सीखना, आप ऑनलाइन भी ये लाइक इट्स लाइक अ ऑनलाइन क्लासेज ओनली ये, क्योंकि हम पूरा आपको डिटेल्ड से बता रहे हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग, ये हमारा जीरो लेवल से स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के साथ में, मेरी यही आप लोगों से गुजारिश है कि आप इसको मैक्सिमम स्प्रेड करें जितना आप इसको फैला सको, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, मैसेंजर पे, जहां जहां आपको सबको पता है कहां कहां फैलाना है। सो डेफिनेटली यू कैन शेयर दिस वीडियो विद एवरीबॉडी एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पे नए आए हो एंड कंटिन्यू आपको हेयर स्टाइलिंग सीखनी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ऐसे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और हाँ दोस्तों, आपको कोई डाउट एंड कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो ये इंस्टाग्राम का अकाउंट है, आप वहाँ पर मुझे DM कर सकते हैं, वहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड फॉलो भी कर लीजिएगा। सो वहाँ पे मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिप्लाई दे पाऊँ, नहीं तो हम एक वीडियो ज़रूर लेके आएंगे आप लोगों की क्वेश्चन आंसरिंग के लिए, या लाइव भी आ सकते हैं आप लोगों की क्वेश्चन आंसरिंग के लिए तो आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। हफ्ते में एक दिन या दो दिन का देखते हैं कैसे हम शेड्यूल बना सकते हैं। सो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है। दोस्तों हम हर हफ्ते आप लोगों से हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, बनाते रहते हैं। अगर आप लोगों के कोई कमेंट्स होते हैं, कोई सुझाव होते हैं तो नीचे आप कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स कर सकते हो और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आइकन बेल जो नोटिफिकेशन बेल होती है, जो घंटी होती है, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों हमारा एकेडमी भी है दिल्ली में, अगर आप लोग पर्सनली ट्रेन होना चाहते हैं, मीन्स आप लोगों को प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिंग कोर्स करना है तो हमारा दिल्ली में एकेडमी है। आप ऊपर दिए हुए नंबर पर, ये दो नंबर हैं 9650674581 और 8368949418, ये दोनों नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आप चाहे तो व्हाट्सअप मैसेज भी छोड़ सकते हैं, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। सो आप इन नंबर पर कॉल करके आप प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिंग कोर्सेज की डिटेल आप ले सकते हैं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।